तो उसके लिए आप लोगों से मैत्री चाहते।
देख लो क्या समझ में आ गया भैया, हमारा उनके ऊपर विश्वास नहीं है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। इसीलिए जो पहले घर में ही सब कुछ होता था, क्योंकि धार्मिक प्रचार प्रसार भी जब तक विचारों में एकता न आए, जबरदस्ती करने से किसी को वोट दिला दो भी नहीं सकता हो, क्योंकि बचाने की क्षमता है। इसलिए अब तो आप लोग आगे आपके लोन खुल गई होंगी, हाँ खुल तो गई महाराज, लेकिन बहुत जल्दी छपकी भी आ जाती है, कुछ समय हो जाए उन्हें पलट जाए। बहुत सोच विचार करके अपने संतान को, परिवार को, अपने गुरुजन को, आदि आदि जो धर्मात्मा हैं उन सबकी एकता बना करके आप लोग जहाँ कहीं भी जाना हो इस ढंग से करेंगे तो ये इसमें कोई बाधा नहीं। पहले भी करते थे लेकिन अपने साथ प्रबंध लेकर के जाते थे, यहाँ तक कि कथानकों में मिलता है साथ साथ बिंब भी लेकर के जाते थे। हाँ, बड़े बड़े सेठ साहूकार व्यापार के लिए भी जाते थे तो उसमें बिंब भी रखते थे, पूजन है, अभिषेक है, दर्शन है आदि आदि करते थे, और उनको एक उसी में जहाज इत्यादि में, नाव इत्यादि में व्यवस्थित शुद्ध रखते थे, दर्शन करते थे, आरती वगैरह करते थे, जो कुछ भी उनकी आवश्यक क्रियाएँ करते थे। इससे स्पष्ट होता है पहले भी बहुत अच्छे ढंग से करते थे और आप लोगों से बहुत ही सुधारक थे, आज वो कुछ नहीं। खाना पीना तो चाहिए तो ये भी साथ साथ जाते थे, करते थे, साथ स्वाध्याय के लिए भी रखते थे। इस प्रकार त्रुटि पाठ, स्वाध्याय, देव दर्शन, अभिषेक, पूजन आदि आदि सब करते थे और शुद्ध भोजन पान भी साथ लेकर के जाते थे, करते थे। यही आप लोगों को आज करना इसलिए आवश्यक हो गया, आप लोग छुट्टी चाहते थे ना, दो महीने हो गया तो हो तो गया, क्या बात हो गई। लेकिन होने के उपरांत भी आप लोग जल्दी करेंगे तो अभी भी सुन रहे हैं, जो जो व्यक्ति जल्दी करके करके आता है यात्रा वगैरह करके खान पीन करके आ जाता, वो इतनी जल्दी वहाँ पर बीमार पड़ रहे बताते हैं, उनकी संख्या दिन दुगुनी और रात दोगुनी नहीं तो कई गुनी हो रही है। इसलिए आप व्यापार व्यापार मात्र कोई वो नंबर देखो, किंतु विवेक के साथ अब काम करना प्रारंभ करेंगे तो संभव है कि 2 महीने का परिश्रम या साधना आप लोगों की काम में आ सकती है, जल्दी करेंगे तो नहीं। कोई भी बीमार पड़ता है तो उन लोगों को जल्दी जल्दी भूख लगने के उपरांत भी भोजन पूर्ण नहीं दिया जाता, क्योंकि वह एक बार खाने से पुनः जो अग्नि जागृत हुई है वो बुझ जाती है। इसलिए अच्छे ढंग से खुल करके लगने दो, धीरे धीरे ज़्यादा कमाने की भी बात हाय हाय मत किया करो, ज़्यादा कमाए तो वो ज़्यादा काम में नहीं आएगा। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि अच्छा परिणाम निकल रहा बताते, अच्छे व्यक्तियों को दवाइयाँ भी काम कर रही बताते हैं। अब तो यार लोग जो अभी दवाई नहीं बना पा रहे विदेश हुई है, किंतु आप लोगों के यहाँ जो पहले के बनी हुई काढ़ा वगैरह हैं और आयुर्वेद संबंधी की दवाइयाँ हैं उनके सेवन करने से भी काफ़ी परिणाम सही निकल रहा है बताते हैं। फिर भी जल्दी करके हम उसको उसका दुरुपयोग न करें,
योग्यता के अनुसार शक्ति को बढ़ाने की, इसमें मुख्य रूप से क्षमता चाहिए सहन करने की। इसलिए आचार्य कहते हैं एकासन करना और नीरस करना, गर्म प्रासुक पानी के साथ करना आदि आदि, ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें आप लोगों के लिए इन भयानक रोगों से बचाने के लिए और शक्ति को हमेशा हमेशा संग्रहित करके रखने के लिए कहा गया है। इतना ही कहना था। और पहले के जो यात्रा वगैरह करते थे उसको भी आप पुराण ग्रंथों से पढ़ करके कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन सांसारिक रोगों को पनपाना नहीं, किंतु उसके लिए आप इसी ढंग से करिए। दो बातें आती हैं, एक सकरा नकरा होता है ना, आप बुद्धि करने वगैरह में, तो वह ये है वह सकरा नकरा नहीं करो ऐसे कहते हैं तो वह गलत नहीं है, क्योंकि वह थोड़े दिन में डील कर लोगे तो घर में घुस जाएगा वो। हाँ, इसलिए उसको मियादत जिसको बोलते हैं मर्यादित रखने का नाम। अब आप लोगों को लगता है पढ़े लिखे हो ये क्या कहते हैं, माँ तो मानती नहीं। हाँ, तुम माँ को मनाना चाहते हो, माँ की बात मानना चाहते हो। अब समझिए आ गया, आएगा अभी और आएगा, जैसे जैसे बड़े हो गए। हाँ, सो रही है जो डॉक्टर वगैरह भी जाओ ऑपरेशन हॉल में, वही दो दो बार तीन तीन बार डॉक्टर हाथ नहीं धोते और हाथ में थोड़े पहुँचने के जो है ऐसा नहीं कि पहुँचा से पहुँच दो, वो हाथ तक नहीं लगाते उस कपड़े को, कैंची से पकड़ करके लेते हैं और उसको देते हैं और उसके हाथ धोए हुए हैं और उसको वह पहुँचना प्रारंभ करते हैं। दो तीन बार ऐसे करते हैं, किसी भी प्रकार से उनके पहनाव ही अलग रहता है, उनकी थैली हाथ की थैली वगैरह भी रहते हैं, मुख पर दो क्या बार बार बांध रहे हैं, उनके हमेशा हमेशा बंधे हुए रहते हैं। ऑपरेशन हॉल में जाकर के देख लो शल्य चिकित्सा के समय पर, ये सब आपको देखने को उपलब्ध होंगे। अब इसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि किस प्रकार हमें आरोग्य का संरक्षण करना है और अकाल मरण से बचना है, दूसरे को भी बचाना है और धार्मिक अनुष्ठान करना है। इन सब जी महाराज की।